नमस्कार। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पर मैं शिशिर पारखी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत सारा संगीत सुना होगा और सुन रहे होंगे, और अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, क्योंकि म्यूजिक को एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर माना गया है। वैसे गायक और संगीतकार के तौर पर मैं तो इसमें लगा ही रहता हूं, लेकिन बाकी समय में बात जरा स्पेसिफिक होती है। या तो किसी शो की तैयारी कर रहा होता हूं, या किसी एल्बम या किसी प्रोजेक्ट के लिए म्यूजिक कंपोज करता हूं, लेकिन ये वक्त मिला है कुछ अपनी पसंद का करने के लिए। कुछ अपनी पसंद के गाने जो छूट गए थे पहले, उनकी तैयारी भी करने का वक्त मिला है। कुछ मेरे एल्बम्स की भी बहुत सारी गजलें हैं जो मैं लाइव शोज में ज़्यादा नहीं गा पाया हूँ, उनको भी ब्रश अप करने का समय मिल गया। और कुछ साथ में शास्त्रीय संगीत की भी प्रैक्टिस करने का ज़्यादा वक्त मिला है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज मैं शुरू में बहुत मिस कर रहा था, और वो थी ऑडियंस, यानी लाइव परफॉर्मेंस में जो सामने ऑडियंस होती है। और क्योंकि मैं गजल कंसर्ट ज़्यादा करता हूँ, तो जब तक सामने से दाद ना मिले तब तक मज़ा ही नहीं आता, ऐसी आदत सी रही है पहले से। कुछ कंसर्ट्स कैंसिल हुए, एक ओवरसीज टूर भी इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया, लेकिन रास्ता निकल ही गया। तो आजकल मैं वर्ल्ड वाइड अपने फैंस और म्यूजिक लवर्स से लाइव डिजिटल कंसर्ट्स के द्वारा जुड़ा हूँ। फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव, कभी यूट्यूब पर करता रहता हूँ, और अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि लाइव कंसर्ट्स की तरह ही दाद मिलती है मैसेजेस में, और फरमाइशें भी आती हैं, तो अब थोड़ी आदत सी हो गई है। और जाते जाते वर्ल्ड म्यूजिक डे के खास मौके पर और आज के इस दौर को देखते हुए एक छोटी सी झलक आपके लिए पेश करता हूँ, गजल का एक शेर जो मेरे बिल्कुल लेटेस्ट एल्बम विरासत द लीगेसी ऑफ लेजेंड से है, जिसे टाइम्स म्यूजिक ने बस लॉकडाउन के पहले ही रिलीज किया था। पेशे खिदमत है। जिंदा दिली से रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।